हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं मरीना बीच, तो बीच में एंजॉय करेंगे हम लोग। सब लोग बैठ रहे हैं कैब में, हम भी निकल रहे हैं। पहुँच गए हम लोग मरीना बीच। ये बहुत फेमस बीच है चेन्नई का। ये नहीं दिखा तो क्या देखा, देखो दूर दूर तक बीच ही बीच है, इतना बड़ा बीच है ये। जहाँ भी घूमो बीच ही बीच, काफ़ी काफ़ी बड़ा बीच है ये, और इसमें काफ़ी पैदल भी चलना पड़ता है। मैं दिखाती हूँ जरा भी आपको कहाँ आगे तक, लास्ट तक, बहुत दूर दूर तक है। ये देखिए लोग आगे निकल गए हैं, मिस्टी और मैं पीछे हैं। अभी सब स्टार्ट होने वाला है। मिस्टू कौन से बीच जा रहे हैं हम? हाँ, मरीना बीच। तो गाइस आज हमने मरीना बीच भी देख लिया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। काफ़ी बड़ा है ये एरिया बैठने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आके सुकून मिलता है, यहाँ पर आके बीच में। चलने के लिए यहाँ पर रोड से इधर को आए हम, रोड से इधर क्रॉस करके इधर आए हम। खाली है पूरा ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड है। जो और बीच होते हैं छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं, ये बहुत बड़ा है इसका ग्राउंड। दूर दूर तक देखो रेत ही रेत दिख रहा है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है ये। चेन्नई का बहुत फेमस है ये मरीना बीच। 갑자기 내게 나타나죠 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 가이로 자 रहे हैं कई लोग अब आ रहे हैं। लोग बैठ गए, मैट बिछा दिए इन लोगों ने बैठने के लिए। पापा को थोड़ा दिक्कत होती है उठने बैठने में।
करवाई हमने, फोटो शूट वगैरह करवाई। यहाँ पर भीड़ भी होने लग गई है। सब तो लोगों ने बहुत इंजॉय किया, लोग खाना पीना खाना स्टार्ट कर रहे हैं क्या। हाँ इलाकी हम भी जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। पानी में छोड़ के आ रहे हैं वापस, जाओ छोड़ के आओ पानी में, हमें रेत में से मिला था। देखो ना जाओ जाओ छोड़ के आओ, देखो देखो सब लोग। हम लोग घर निकल रहे हैं, एंजॉय कर लिया अच्छे से। पर एक गीली गीली रेत है। मिस्टर देखो, वाओ गुड गर्ल, ये देखो कहाँ दूर रह गया समुद्र, कहाँ आ गए लोग। काफी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी होती है पानी में, झूले वाले सब बंद है। ये स्टॉल अभी खुले नहीं, सब शाम तक शायद अब खुलने वाले थे, खुल रहे हैं कुछ तो, लेकिन अब हमें जाना है। गाइस बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को, काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया, अच्छा एक्सपीरियंस था बीच का। बीच में तो आके मतलब ये होता है कि अपना चाहे खाना पीना बना के लिया, मैट वैट लिया बिछाने के लिए, बैठ के आराम से खाना पीना कर लो, अपना दो तीन घंटे बैठो और अपना चलो, मन को शांति मिलती, सुकून मिलता है बीच में। ये लोग पहुँच गए, मैं पीछे रह गई हूँ, बस मैं भी पहुँचने वाली हूँ। हम यहाँ से हम लोग घर जा रहे हैं, तो बस अब हम घर निकलते हैं। आ गए लोग गली से बाहर है। अच्छा देखो यहाँ पर गाइस, ये लोग यहाँ पर टहल रहे हैं। ये देखो खेलो आराम से खेलो। कितना छोटा सा पप्पी है ये, कितना छोटा सा पप्पी है, ये नकली है, असली है वो। देखो मानो प्यार करो उसको, क्या? प्यार करो उसको, देखो मानो उसको प्यार कर रहा है। देखो कितना प्यारा है पपी है, वो नकली है। पापा जी, यस डॉगी को मम्मा की याद आ रही है। मम्मा की याद आ रही है, हाँ। तो इसकी मम्मा कहाँ है ढूंढो। डॉगी 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 मम्मा, अरे देखना भाग के आने वाला है। डॉगी मम्मा, पापा मैं डॉगी मम्मा को ढूंढ रहा हूँ। रॉनी के साथ चला गया। कहाँ जा रहा है ये डॉगी बेबी, जा रहे हैं पता भी नहीं चला, कब एक हफ्ता हो गया। वो सब तैयारी कर रहे हैं सब लोग जाने की, तैयारी हो गई जाने की। यहाँ से अब ये लोग हैदराबाद जा रहे हैं। बाय बाय, बाय बाय करो, मुख बाय बाय बाय। देख कितनी खुश हो रही है, बाय चिन्ना, बाय।
बाय बाय। अब ये लोग चले यहाँ से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से निकलेंगे दिल्ली। तो रोनी कैसा लग रहा है आपको? बहुत गंदा। क्यों? क्योंकि वहाँ से लोग चले गए, बोर हो गया। फिर से आ जाएंगे लोग, क्या हो गया? वैशाली वाले घर में अगर हम अभी भी रहते हैं ना, तो अभी भी मौसी लोग हमसे मिलने आते हैं। तो वो लोग बट अब क्या करें? कोई बात नहीं, फिर से आएंगे। अच्छा लगा ना, इतने दिन रह भी गए वो लोग, मजा आया, एंजॉय किया, खूब घूमने फिरने गए हैं लोगों के चक्कर में। हम लोग भी खूब घूम फिर लिए इस बहाने, वरना हम लोग भी नहीं निकल पा रहे थे, तो एंजॉय किया हमने भी खूब। थोड़ा सा रोनी अब बोरिंग लगेगा आवाज से, कोई बात नहीं। अब मानू को भी तो वहां जाके बोर लगेगा। अच्छा मानू भी जाएगा तो वो भी तो मिस करेगा ना कि हमने कितनी मस्ती करी थी। कोई बात नहीं, ऐसा तो रोनी होता है। चलो तो गाइस, अच्छे से रहे दिन, अच्छे बीते, पता भी नहीं चला, नॉर्मल जैसे लगा कि हम लगा ही नहीं कि हमें चेन्नई में हम रह रहे हैं ऐसे, है ना रोनी? कोई बात नहीं, हैप्पी रहो, जल्दी आएंगे फिर, ठीक है ना? तो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रोनी बाय बाय। गाइस जो मैं आज ब्लॉग डाल रही हूँ, बहुत लेट डाल रही हूँ कि बीच में तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए डाली भाई, जब जब टाइम मिलता तब तब बनाती गई जैसे। तो खैर ये जो ब्लॉग जो बनाया मैंने, ये मरीना बीच वाला पूरा जो खाली एरिया दिखाया है आसपास का पूरा, और जो रास्ता बीच में जो पटरी सी बनी हुई है, अभी लास्ट सैटरडे जो अभी सैटरडे गया है, यहाँ पर साइक्लोन आया था बहुत भयंकर तूफान, तो पूरा पानी से डूब गया था वो रास्ता, जो पटरी वाला रास्ता है, और बाहर तक पूरा पानी आया था पूरा, रेतरी जहाँ तक रास्ता है पूरा पूरा पानी में था, वो पूरा रास्ता पानी से डूब गया था। वो जिन साइक्लोन आया था उस दिन डर के मारे बुरी हालत हो रही थी हमारी बहुत ही ज़्यादा, मेरी तो रात भर नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि इतनी जोर से हवा आई, तेज तूफान था, क्योंकि कितने तो पेट उठ के गिर गए बहुत ज़्यादा, तो वही डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कि मतलब क्या होगा क्या होगा। मतलब ठीक था सुबह सबके, लेकिन पता लगा था काफ़ी सारे पेड़ टूटे हैं यहाँ पर, बहुत सारे 100 से ऊपर मतलब पेड़ टूटे हैं, कई लोगों ने फिर पेड़ कटवाए भी हैं, जैसे हमारे घर के सामने भी एक पेड़ कटवाया क्योंकि वो झुक गया था पूरा, तो वही है। तो मतलब बहुत ख़तरनाक लग रहा था उस दिन, तो मतलब रात में बहुत डर लग रहा था, सोचा आपसे बात ही शेयर करूँ, बताऊँ आप लोगों को यहाँ पर, ये चीज़ तो नॉर्मली है मतलब तूफान आना, क्योंकि बीच आस पास ही है तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोगों के लिए है कि हम लोग अभी नए नए आए तो हम लोगों के लिए थोड़ा डर रहता है। लास्ट टाइम तो मतलब डर की हमारी हालत ही ऐसी होती थी कि क्या होगा कैसा होगा। दो दिन से गाइस यहाँ पर स्कूल कॉलेज भी बंद कर रखे थे साइक्लोन के चक्कर में,